दोस्तों, यदि जीवन में आपको 5 मिनट का समय है तो ये वीडियो, यदि आपको फिशर यानी मलद्वार के जगह पे खरोच है, चीरा है, मलद्वार के जगह पे एरिया फट गया है जिसको हम फिशर बोलते हैं, और ये तकलीफ यदि आपको सुधर नहीं रही है तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिशर की तकलीफ 90% ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा नहीं हो रहा है, तकलीफ चालू रहती है या फिर चालू बंद होती है। तो ऐसी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे मरीज करते रहते हैं। तो यदि आपको फिशर की तकलीफ है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर आपको फिशर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये वीडियो में पूरा सारार्थ है। मैं आपको छोटी छोटी गलतियाँ जो काफ़ी सारे पेशेंट्स करते हैं उसको एक छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं पाइल्स फिशर फिशुला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। और यदि आपको फिशर की तकलीफ है तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये वीडियो को लाइक करने से हमको और मोटिवेशन मिलता है ऐसे और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। यदि दोस्तों आपको फिशर की तकलीफ है तो सबसे पहली जो गलती है काफ़ी सारे लोग जो करते हैं कि थोड़ा सा उनको अच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो जो मलहम या जो क्रीम्स डॉक्टर साहब ने या सर्जन ने आपको बताई है ये क्रीम्स लगाना धीरे धीरे आलस में बंद कर देते हैं। तो होता क्या है कि थोड़ा सा हीलिंग हो जाता है, थोड़ा सा आपको महसूस अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप ये ऑइंटमेंट लगाना बंद कर देते हो तो वापस आपको तकलीफ बार बार होती रहती है। तो कम से कम हम 1 से 2 महीना रिकमेंड करते हैं कि आप ये ऑइंटमेंट्स फिशर के लिए अगर यूज़ करते हो तो बार बार ये तकलीफ रिपीटेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड कॉमन गलती जो करते हैं वो है पेट साफ करने के जो सिरप्स या मेडिसिन या पाउडर जो हम रिकमेंड करते हैं बहुत बार फिशर के पेशेंट्स में, वो जब ज़्यादा मात्रा में कभी कभी प्रिस्क्राइब हो जाता है या फिर किसी किसी को रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है और किसी को डायरिया होने लगता है, पतले संडास यानी दस्त हो जाता है, तो उसके कारण भी आपका दर्द बढ़ सकता है क्योंकि बार बार डायरिया से वो एरिया बार बार रब होता है और बार बार रब होने से भी फिशर का दर्द आपका बढ़ता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए और डायरिया भी नहीं होना चाहिए, यानी आपका मकसद है स्टूल को सॉफ्ट करना। लिक्विड स्टूल रहेगा तो भी तकलीफ होगी और हार्ड स्टूल होगा तो भी आपको दर्द ज़्यादा बढ़ने वाला है। तीसरी गलती काफ़ी सारे लोग करते हैं वो है कि सिड्स बाद जब हम हल्का गुनगुना पानी में सिकाई करने के लिए बताते हैं जब दर्द ज़्यादा हो, इस सिड्स बाद से दर्द तो कम होता है लेकिन काफ़ी सारे लोग डेटॉल, सेवलॉन या बीटाडीन या फिर नमक सॉल्ट्स जो यूज़ करते हैं वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा रहता है तो दोस्तों ये बर्न करता है, एरिया में जलन होती, चचरता है ज़्यादा और आपका दुखावा कभी कभी बढ़ जाता है। तो यदि इसको आप यूज़ कर रहे हो तो इसका डाइल्यूशन आपको बराबर से पता होना चाहिए, आपको डॉक्टर को सलाह ले लेनी चाहिए कि कितनी मात्रा में कितना डालना है, मेजर करके डालना है। यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो आपको तकलीफ बढ़ सकती है, या फिर प्लेन वार्म वाटर सिड्स बाथ आपको लेना चाहिए। चौथी गलती है कि काफ़ी सारे लोगों को आदत रहती है कब्ज के कारण, काफ़ी सारे लोग फिंगर इवैक्यूएशन जी हाँ उंगली से स्टूल को रिमूव करते या फिर पिचकारी से स्टूल को रिमूव करते, तो ये आदत से भी क्या होता है वो एरिया पे स्क्रैच होते रहते हैं और फिशर हिल नहीं होता है। पांचवी गलती जो काफ़ी सारे लोग हमने ऑब्जर्व किया है वो है कि मेडिसिन जो हम देते हैं पेन कम करने के लिए, ये पेन बहुत सारे लोग पेन किलर्स नहीं लेते और ये दर्द को बर्दाश्त करते हैं। जब ये दर्द को जब हम इंसान बर्दाश्त करता है तो उसका जो स्पाजम है वो ब्रेक नहीं होता, तो एरिया टाइट रहता है, एरिया टाइट रहने से क्या होता है स्टूल रब होके जाता है, जब स्टूल रब होता है तो वापस दर्द बढ़ता है, तो ये विशियस साइकिल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको मेडिसिन, मलहम और कुछ टैबलेट्स जो प्रिस्क्राइब किए उसको सही मात्रा में सही दिन में आपको लेनी है जिससे ये विशियस साइकिल ब्रेक हो सके। सिक्स्थ मिस्टेक क्या गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग डाइट का तो पालन करते हैं लेकिन बहुत बार कैसा है देसी इलाज या फिर घरेलू नुस्खे के चक्कर में अजवाई, काली मिर्च, दालचीनी ये सब जो वगैरह वगैरह लौंग ये सब के जो पाउडर्स या मिश्रण रहते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन में कब्ज में तो हेल्प करते हैं लेकिन बहुत बार ये सब गर्म पड़ता है, जैसे मुंह में छाले और आपने काली मिर्च ऐसा कुछ अगर आपके पदार्थ में ज़्यादा है तो जलन होगा, वैसे ठीक मलद्वार के जगह पे जो खरोच है तो ये सब पदार्थ से आपको टॉयलेट की जगह पे पॉटी के एरिया पे आपको जलन बढ़ने वाली है। तो ऐसी जो गर्म चीज़ जैसे कि लौंग है, दालचीनी है, अजवाई है, काली मिर्च है, अदरक है, ये सब आपको चलन बढ़ाने वाली है, तो ये सब से आपको थोड़े दिन के लिए तभी दूर रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट जो आपको मैंने बताया इससे आपको आपके फिशर ट्रीटमेंट में सक्सेस रेशो
इम्प्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। मैं आपको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ। यदि आपको फिशर की तकलीफ है तो दोस्तों ये फिशर के दर्द से आप जल्दी मुक्त हो, यही मेरी आशा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको फिशर की तकलीफ है तो आप क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। धन्यवाद।